दो दिन पहले मैं तिहाड़ जेल में था, मैं केवल कवि सम्मेलन के लिए गया था वहां पर। वो इसलिए बताना जरूरी, आदमी सोचे वहीं से छूट के तो नहीं आ रहा थी। तो वो कवि सम्मेलन था तिहाड़ जेल में, जब मैं पहुंचा, आप लोग जानते हैं कि आजकल बड़ी बड़ी विभूतियां वहां पर फंसी हुई हैं। जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो सामने आतंकवादी टूंडा की चौकी लगा दी गई, और ये वीर रस का कवि, पढ़ो क्या पड़ेगा। तो सामने आतंकवादी बैठा था, मैं गया और डायरेक्ट उन्हीं से मैंने जाकर के संवाद आरंभ किया। मैंने कहा, हे आतंकवादी शिरोमणि, आप जगह जगह जाकर के बमबारी करते हो, कभी अक्षरधाम में जाते हो, कभी अयोध्या में जाते हो, कभी मुंबई की चौपाटी में जाते हो, कभी संसद भवन में आते हो, एक बार हिसार भी आओ यार। तो उन्होंने जो उत्तर दिया, अगर आप लोगों को गर्व हो कि आप लोग हिसार से, तिलक जी के हिसार से हो, तो एक एक व्यक्ति की मैं तालियां चाहता हूं। उस आतंकवादी टूंडा ने कहा कि सौरभ, कहीं भी आतंकवादी हमला करने के लिए हमें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, देयर इज अ प्रोसेस। मैंने कहा, वो क्या? बोले, हमारा पहला आतंकवादी जाता है और एक भीड़ भरे इलाके में एक साइकिल खड़ी करके आता है। उसके आधा घंटे बाद हमारा दूसरा आतंकवादी जाता है जो साइकिल में RDX फिट करके आता है, और उसके आधा घंटे बाद हमारा तीसरा आतंकवादी जाता है जो उसमें ब्लास्ट करके आता है। बोले, हिसार में हमने कई बार साइकिल खड़ी करी।